अभी तो गाइस मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है कि टाइगर के रेड अलर्ट की वजह से हमें फॉल पर जाने से कोई प्रॉब्लम ना आए। निकल जाएगी गाड़ी, कैसे निकलेगी? क्लियर तो शेर से इसमें से कूद के नहीं आता है, है? आगे से रास्ता नहीं जाने का, फिर गाड़ी यहीं पे पार्क करके जाना पड़ेगी। हटा तो हटा के निकल जाए, अरे नहीं निकलेगी। हाँ यही है रास्ता, तो लो निकालो, चलो लो निकालो फटाफट यार। अरे रिस्क खाएगा उसमें यार, अरे रिस्क खाएगा ये तो, जब से शेर घूम रहा है, जब से बंदे, अरे वो शेर घूम रहा है ना, जब से बंदे वो इस एरिया में घूम रहा है। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है, हमने चैनल पर वाटरफॉल सीरीज लगा रखी है और अभी हम मॉनसून में वाटरफॉल सीरीज में केवल वाटरफॉल ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसलिए गाइस आज हम निकल पड़े हैं एक और वाटरफॉल जर्नी पर। आज की हमारी जर्नी पिछली वीडियो के रूट से थोड़े अलग रूट की होने वाली है। हमारी आज की जर्नी का रूट बिल्कुल ही न्यू है और आज हम जा रहे हैं इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बामनिया कुंड वाटरफॉल। इस वाटरफॉल पर जाने के लिए हमें महू शहर क्रॉस करते हुए जाना होगा। बामनिया कुंड वाटरफॉल इंदौर से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ जाने के लिए हमें दो रूट मिलेंगे। पहला रूट, हम इंदौर से बाईपास होते हुए सिमरोल से महू शहर जा सकते हैं। ये रूट जूनापानी और बगोदा वाटरफॉल वाला रूट है। इस रूट से हमें बामनिया कुंड वाटरफॉल 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिलेगा। यदि आपने हमारी जूनापानी और बगोदा वाटरफॉल की वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस दूसरा रूट, इंदौर से बाईपास होते हुए राव स्क्वायर वाले रूट से भी महू शहर होते हुए बामनिया कुंड वाटरफॉल जा सकते हैं। दोनों रूट से ही बामनिया कुंड वाटरफॉल 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। आपको रूट समझ ना आए हो तो आप गूगल जीपीएस भी कर सकते हैं, आपको गूगल मैप पर दोनों रूट मिल जाएंगे। गाइस यदि आप भी हमारे जैसे ही नेचर लवर हैं तो आप इस वाटरफॉल पर जा सकते हैं। इस वाटरफॉल तक आप अपना व्हीकल भी लेकर जा सकते हैं। मेरा आप लोगों से यही सजेशन है, यदि आप मॉनसून में तेज बारिश में बामनिया कुंड वाटरफॉल जाएं तो अपना व्हीकल वाटरफॉल के पहले गांव में ही पार्क करके जाएं और गीली मिट्टी ना मिले तो आप अपना व्हीकल वाटरफॉल तक ले जा सकते हैं। जैसे गाइस 10 दिनों से इंदौर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, ऐसा लगता है गाइस मॉनसून जा चुका है और विंटर्स के पहले ही समर आ चुका है। बारिश ना होने की वजह से हमें बिल्कुल भी स्लश नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। हमें बाइक गांव में ही पार्क करके जाना होगी या हम वाटरफॉल तक अपनी बाइक ले जा सकते हैं। तो गाइस अब हम महू शहर पहुंच चुके हैं और गाइस आपको पता ही है हमारी राइड मॉर्निंग की होती है और मॉर्निंग में राइड करने का प्रॉफिट ये है, मॉर्निंग में ना तो हमें रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और ना ही जिस प्लेस पर हम जा रहे हैं वहां ज़्यादा रश मिलता है, जिस वजह से हम अपना प्लेस अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं और आप लोगों को अच्छे सिनेमेटिक व्यू दे पाते हैं। अभी टाइम लगभग मॉर्निंग का 7:40 हो रहा है। वैसे तो महू शहर ज़्यादा पॉपुलेशन वाला और ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ मॉर्निंग के 8 बजे ही कितना ज्यादा रश दिख रहा है। इतना रश तो मॉर्निंग में हमें इंदौर की सड़कों पर भी नहीं मिलता। महू शहर से भी हमें बामनिया कुंड जाने के लिए दो रूट मिलेंगे, एक रूट महू सिटी वाला और दूसरा आर्मी कॉलेज वाला। अभी हम आर्मी कॉलेज वाले रूट से जाएंगे क्योंकि गाइस वहां की सड़कें हमारे इंदौर की सड़कों से भी ज्यादा सुंदर है।
गाइस मैंने आपको बामनिया कुंड के पहले जो मलिंदी विलेज बताया है उस विलेज से मेन रोड छोड़कर जंगल के अंदर टर्न लेना होता है और गाइस उस गांव से जंगल में टर्न लेने के बाद आपको बामनिया कुंड, मेहंदी कुंड और पंच प्राप्त कुंड ये तीनों वाटरफॉल मिल जाएंगे। मैं अभी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आप फैमिली के साथ यहां आते हैं तो सिर्फ बामनिया कुंड ही जाए क्योंकि गाइस ये जंगल बहुत ज्यादा घना जंगल है। यहां से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर तक ये जंगल फैला हुआ है इसलिए फैमिली के साथ यहां जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बाकी गाइस आज हम ऑफिस से लीव लेकर आए हैं तो आज हम बामनिया कुंड, मेहंदी कुंड और पंच कुंड तीनों वाटरफॉल एक्सप्लोर करेंगे और आपको तीनों फॉल्स का व्यू देंगे। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं जल्दी से आगे और जल्दी से वाटरफॉल पहुंचकर आपको तीनों फॉल्स का व्यू देते हैं। गाइस अब आप देख सकते हो महू शहर क्रॉस करके अब हम जंगल वाले रास्ते पर आ चुके हैं। पूरा रास्ता सुनसान है और दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है और गाइस आप देख सकते हो रोड के दोनों तरफ फेंसिंग की हुई है। गाइस इतना तो आपको भी पता ही होगा कि किसी जंगल के रूट पर फेंसिंग होती है तो क्लियर सी बात है कि इस रूट से जंगल के जानवरों का भी आना जाना होता होगा और कोई जंगली जानवर किसी को चोट ना पहुंचा दे गाइस इसलिए गवर्नमेंट ऐसे रूट पर दोनों साइड फेंसिंग कर देती है। गाइस मैंने लोधिया कुंड वाटरफॉल वाली वीडियो में बताया था कि इस एरिया में अभी टाइगर का रेड अलर्ट हो रखा है तो गाइस अभी हम टाइगर के रेड अलर्ट वाले एरिया में ही है। इस एरिया में टाइगर को एक बार नहीं आई थिंक 8-10 बार देखा गया है और इस एरिया के आसपास के जो विलेज है उन विलेज के लोगों को टाइगर कई बार घायल भी कर चुका है। गाइस गवर्नमेंट की साइड से नोटिफिकेशन भी आ रखा है कि टाइगर अब आदमखोर हो चुका है, पूरी फॉरेस्ट टीम और गवर्नमेंट उसे पकड़ने में लगी है। लेकिन गाइस टाइगर भी कभी यहां कभी वहां दिखता है और गाइस पूरी फॉरेस्ट टीम और गवर्नमेंट दिन रात मेहनत करने के बाद भी आई थिंक 2 महीने से टाइगर को पकड़ने में लगी है लेकिन अभी तक टाइगर को पकड़ नहीं पाई है। इसलिए गाइस मैंने आपको मेहंदी कुंड और पंच कुंड जाना अवॉइड करने को कहा क्योंकि उस साइड जंगल बहुत ज्यादा घना है और जब तक टाइगर पकड़ा नहीं जाता वहां जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। अभी तो गाइस मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है कि टाइगर के रेड अलर्ट की वजह से हमें फॉल पर जाने से कोई प्रॉब्लम ना आए। देखते हैं गाइस क्या होता है, चेक करते हैं और बढ़ते हैं जल्दी से आगे। निकल जाएगी गाड़ी, कैसे निकलेगी? फिर तो सेल से इसमें से कूद के नहीं आता है, है? आगे से रास्ता नहीं जाने का, फिर गाड़ी यहीं पे पार्क करके जाना पड़ेगी। हटा तो हटा के निकल जाए, अरे नहीं निकलेगी। हाँ यही है रास्ता, तो लो निकाल लो, चलो लो निकालो फटाफट यार, निकालो ना। अरे रिस्क खाएगा उसमें यार, अरे रिस्क खाएगा ये तो, जब से शेर घूम रहा है, जब से बंदे, अरे वो शेर घूम रहा है ना, जब से बंदे वो इस एरिया में घूम रहा है, अरे चुतिया बनाने के पीछे गांव वाले भी तो रह रहे ना। तो गाइस अभी आपने देखा कि टाइगर के रेड अलर्ट की वजह से गवर्नमेंट ने वाटरफॉल पर जाना प्रतिबंधित कर दिया है लेकिन गांव वालों ने हमें बताया कि अभी वो बैरिकेड जहां पर रास्ता बंद किया हुआ है वहां पर इस ही एरिया के पुलिस स्टेशन से 4-5 कांस्टेबल आकर बैठ जाते हैं और किसी को भी उस बैरिकेड के अंदर नहीं जाने देते। गाइस मॉर्निंग का अभी 8:30 हो रहा है, कांस्टेबल 9 to 9:30 के समथिंग आएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स में हमें वाटरफॉल तक पहुंचना है और रिकॉर्ड करके कांस्टेबल के आने से पहले यहाँ से निकलना है। यदि गाइस कांस्टेबल हमारे आने से पहले आ गए और यहाँ आकर बैठ गए तो फालतू प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब गाइस आप समझ ही सकते हो कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। और गाइस गवर्नमेंट ने वाटरफॉल के गेट पर ही कांस्टेबल इसलिए बैठा है क्योंकि तीनों वाटरफॉल पर जाने का केवल वो एक ही टर्न है, उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे एरिया में सिर्फ वाटरफॉल पर जाना इसलिए बैन किया क्योंकि गांव के जो लोकल उन्होंने हमें बताया कि टाइगर को कल ही पास वाले पहाड़ पर देखा गया है तो हमें केवल पुलिस ही नहीं अब टाइगर का भी डर है। तो चलिए गाइस अब हमारे पास केवल 30 मिनट है, अब जल्दी से वाटरफॉल पर पहुँच कर आपको वाटरफॉल का व्यू देते हैं और इस प्लेस से जल्दी से निकलते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है बामनिया कुंड वॉटरफॉल का। ये फॉल ज्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ ज्यादा हाइट से फॉल भी नहीं गिरता। टाइगर के रेड अलर्ट की वजह से अभी आपको फॉल पर कोई भी नहीं दिख रहा है। बाकी गाइस आप ये देख ही सकते हो, ये फॉल छोटा तो है लेकिन कोई बड़ा एक्सीडेंट होने के लिए काफी है। इतनी हाइट से कोई भी गिरता है तो उसकी जान तो जा ही सकती है। इसलिए गाइस आप लोग यहाँ आए तो प्लीज सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। और गाइस हमने सोचा था आज ऑफिस से फुल डे की लीव मिली है, आज पूरा दिन रुककर तीनों वॉटरफॉल एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन टाइगर के रेड अलर्ट की वजह से यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और हमारी आज की राइड और आज का दिन ऑलमोस्ट खराब ही हो गया था। लेकिन हम रिस्क लेकर भी यहाँ तक आ ही गए और जुगाड़ लगाकर आपको वाटरफॉल का व्यू दे ही दिया। तो गाइस यदि आप वाटरफॉल और नेचर से रिलेटेड ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस हमने आज जो टाइगर और प्रशासन के अगेंस्ट जाकर इतना बड़ा रिस्क लेकर आपको बामनिया कुंड वाटरफॉल का व्यू दिया, उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो बामनिया कुंड वाटरफॉल का व्यू और सिनेमेटिक शॉट्स पसंद आए हों। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वाटरफॉल के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। Wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm